अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो गाइस। आज मैं आपके लिए लाई हूँ चिकन सैंडविच की रेसिपी, जो बहुत ही चटपटा और टेस्टी बनके तैयार होती है। खासकर बच्चों के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है। आप अपने बच्चों के लंच बॉक्स में इस सैंडविच की रेसिपी को बनाकर दे सकते हैं। बनाने में भी बहुत ही आसान है, टाइम नहीं लगता बिल्कुल भी। तो चलिए बिस्मिल्लाह बोलकर हम शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन लिया है आधा किलो। इसमें एक कप के करीब मैंने पानी ऐड कर लिया है। उसमें हाफ टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दे। और यहाँ पर मैंने काली मिरी और एक तेज़पत्ता लिया है। इसे हमें बॉईल कर लेना है। देखिए 15 मिनट के बाद मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया। हमारा चिकन अच्छी तरह से बॉईल हो गया है। इसे हमें ठंडा कर लेना है और श्रेड कर लेना है। देखिए यहाँ पर मैंने वही पैन दोबारा यूज़ किया है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून के करीब अमूल मस्का। आप चाहे तो तेल भी ऐड कर सकते हैं, बट मस्के से हमारे चिकन सैंडविच का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। बच्चों को भी बहुत अच्छा लगेगा खाने के टाइम। और यहाँ पर मैंने 2 छोटी साइज़ की प्याज ली है और 4-5 लहसुन की कली ली थी मैंने। प्याज और लहसुन को मैंने बारीक बारीक चॉप कर दिया है। हमें इसे हल्का सा सॉटे कर लेना है। हमें इसे ब्राउन नहीं करना है, बस हमें 5 मिनट के लिए इसे सॉटे कर लेना है। देखिए यहाँ पर मैंने एक ग्रीन बेल पेपर ऐड कर दिया है। आप चाहे तो रेड और येलो वाली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर आप चाहे तो एक गाजर भी यूज़ कर सकते हैं। इसे हमें 5 मिनट के लिए कवर करके पका लेना है, इसके टेंडर होने तक। 5 मिनट के बाद अब हम इसमें हमारा जो बॉईल किया हुआ चिकन था वो ऐड कर देंगे। देखिए मैंने यहाँ पर इसे अच्छी तरह से श्रेड कर दिया है हाथों की मदद से। इसे मिक्स कर ले अच्छी तरीके से। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब काली मिर्च का पाउडर ऐड कर ले। इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैंने हल्का सा इसमें मस्का ऐड किया है और नमक भी ऐड किया है। और यहाँ पर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। हरा धनिया और पुदीना भी ऐड कर ले इसमें। मिक्स कर ले इसे अच्छी तरीके से। बस इसे 1 मिनट के लिए हम चला लेंगे और कवर कर लेंगे। देखिए बस 1 मिनट तक मैंने इसे रखा। और जब आप इस मिक्सचर में नमक ऐड करेंगे तो टेस्ट करके ही नमक ऐड करें, बिकॉज़ हमने इसमें मस्का भी मिलाया है और मस्के में भी नमक होता है। तो पहले आप टेस्ट कर ले, फिर अपने हिसाब से नमक ऐड करें। देखिए मैंने इसे एक अलग से बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है। इसमें अब हम कुछ चीज़ें ऐड कर लेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने मेयो लिया है, मेयोनीज़। 3 से 4 टेबल स्पून के करीब मेयो ऐड कर ले। मेयो की क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। आपको कितना ऐड करना है अपने टेस्ट के हिसाब से आप ऐड कर ले इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून के करीब टमाटो केचप ऐड किया है। ये भी आप पे है कि आपको कितना ऐड करना है। मिक्स कर ले इसे अच्छी तरीके से। इस चिकन के स्टफिंग को थोड़ा और चटपटा बनाने के लिए मैंने आधा नींबू भी यूज़ किया है। नींबू ऐड करने के बाद इसे हमें दोबारा अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। देखिए हमारी चिकन की स्टफिंग रेडी है। अब हम सैंडविच बना लेंगे। यहाँ पर मैंने ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। इस पर एक साइड पे आप मस्का स्प्रेड कर ले। मस्का ऐड करने से खाते समय ब्रेड में भी अच्छा टेस्ट आएगा, तो इसे हमें अच्छी तरह से एक साइड पे स्प्रेड कर लेना है। उसके बाद जो हमारा तैयार किया हुआ चिकन का स्टफिंग था वो इस पर अच्छी तरीके से स्प्रेड कर ले। आपको जितना अच्छा लगता है आप अपने हिसाब से इस ब्रेड के स्लाइस पर चिकन के स्टफिंग को स्प्रेड कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। देखिए मैंने स्टफिंग को अच्छी तरह से स्प्रेड कर लिया। देखिए यहाँ पर मैंने एक अमूल चीज़ का स्लाइस भी ऐड किया है। अगर आपको चीज़ नहीं पसंद तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। चीज़ ऐड करने से भी इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। और यहाँ पर दोबारा मैंने अमूल का मस्का ऊपर से भी थोड़ा सा स्प्रेड कर लिया है। इसी तरह से हम दूसरे ब्रेड को भी बना के तैयार कर लेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने चीज़ ऐड नहीं किया है, सिंपली मैंने दूसरा ब्रेड इसके ऊपर प्लेस कर दिया। एक चीज़ वाला और एक विदाउट चीज़ वाला ब्रेड मैंने बना के तैयार किया है। अभी हमें हमारे सैंडविच को टोस्ट कर लेना है। आप चाहे तो टोस्टर में या पैन में टोस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पैन में टोस्ट कर रही हूँ। मस्के वाले साइड को नीचे कर दे और इसे टोस्ट कर दे। हल्का सा तेल लगा दे ताकि जले ना। हल्का सा प्रेस भी कर ले। देखिए एक साइड हमारा सैंडविच टोस्ट हो गया है। अब इसे टर्न करके अगली साइड भी हमें इसे टोस्ट कर लेना है। इसे टोस्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस 2 मिनट ही लगते हैं, 2 से 3 मिनट। हमें इसे स्लो फ्लेम पर ही टोस्ट करना है। आप फ्लेम फास्ट ना करें वरना आपके सैंडविचेस जल जाएंगे।
दोबारा देखिए मैंने ब्रेड रख दिया है, इसे भी हमें टोस्ट कर लेना है। देखिए हमारा सैंडविच का दूसरा ब्रेड भी टोस्ट हो गया है। इसे गर्मा गर्म सर्व करें, सर्विंग डिश में निकालें। आप इसे सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं और इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं, अपने बच्चों को खिलाएं। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, टेस्टी भी है और बहुत ही कम टाइम लगता है इसे बनाने में। और इसी तरह से मेरी रेसिपीज़ को देखते रहे, और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो मेरी रेसिपी को लाइक करना ना भूलें और शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आफरीन फूड दरबार। हम ऐसी ही रेसिपीज़ के साथ मिलते रहेंगे, जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।